गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आखिर वो टाइम आ चुका है जबकि हम ये चैप्टर आज ख़त्म करने वाले हैं। तो पहले हम ये कुछ लंबी समय तक चल रहा था तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, दिस इज द लास्ट पार्ट। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ओके, अगेन गैस्ट्रुलेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ओके, तो इससे पहले जो हम पढ़े हैं इसके थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। जैसे कि तो पहले हम पढ़े थे, क्या पढ़े हैं इसमें, तो इंसेमिनेशन से लेके दैट इज ब्लास्टुलेशन और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक हम पढ़ चुके हैं। तो पहले क्या हुआ, दैट इज इंसेमिनेशन बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स और द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ द सीमेन इन द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ न, फर्टिलाइजेशन के बाद दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद मोरूला, 8 से 16 सेल तक उसको हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला के बाद क्या हुआ, दैट इज इम्प्लांटेशन, जब 4th डे या 5th डे तक वो पहुंच जाता है कहाँ पे, ना इनसाइड द यूटरस। यूटरस में पहुंच जाने के बाद 7th डे में इम्प्लांटेशन हुआ, दैट इज एंडोमेट्रियम वॉल में उसका एंट्री हुआ, वो फिक्स हो गया, दैट प्रोसेस इज द इम्प्लांटेशन। तो ये 7th डे में हुआ, 7th डे, 8th डे में बहुत सारे काम हुआ। उसके बाद क्या होगा, 1st वीक वहीं पर कंप्लीट हुआ, 1st वीक जब तक कंप्लीट हुआ वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो आज हम देखेंगे, तो देखो ये थोड़ा मैं रिकैप कर लेता हूँ। जैसे कि ये पहले 2 सेल में डिवाइड हो गया था, दैट इज द एपिब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट। तो ये दो डिस्क उसका नाम है एपिब्लास्ट, अनदर वन दैट इज द हाइपोब्लास्ट। और ये जो साइड में रहता है उसको बोलते हैं कि ये कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन किया। तो ट्रोपोब्लास्ट फॉर्मेशन करता है क्या ना, सिंसिटी ऑफ ट्रोपोब्लास्ट एंड द साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो ये फाइनली फॉर्मेशन करते हैं क्या ना, कोरियोनिक विलाई, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स लाइक द कोरियन, एमिनियन, एलांटॉइस एंड द यॉक सैक। इसके बारे में हम डिस्कस किए थे, कोरियन, एमिनियन, एलांटॉइस एंड द यॉक सैक। तो इसमें ये जो हाइपोब्लास्ट है ये फॉर्मेशन किया, इसको बोलते हैं क्या, दिस इज द यॉक सैक, यॉक सैक। इनकेस ह्यूमन के केस में इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादातर। तो ये फॉर्मेशन किया, यहाँ पे जो फॉर्मेशन करता है ये फॉर्मेशन करेगा फ्यूचर अम्बिलिकल कार्ड, दिस विल फॉर्म द फ्यूचर अम्बिलिकल कार्ड। यहाँ देखो जो ये यॉक सैक से कुछ सेल इसमें क्या करता है ना, एंट्री कर जाता है, दिस सेल्स फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द एलांटॉइस। ओके, तो इतना सारा काम हो जाता है कितने दिन के अंदर ना, इट कंप्लीटेड विद इन 7 डेज। 1st वीक में ये सब काम कंप्लीट हो गया। तो 2nd वीक में क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप इज द गैस्ट्रुलेशन। सो व्हाट डू मीन बाय गैस्ट्रुलेशन, तो पहले गया मरूला, उसके बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला और द ब्लास्टोसिस्ट, देन आता है क्या ना, दैट इज गैस्ट्रुला बाय द प्रोसेस ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन इसमें क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ द 3 जर्म लेयर्स दैट इज नोन एज द गैस्ट्रुलेशन, इट टेक्स प्लेस एट द 2nd वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। तो गैस्ट्रुलेशन, तो उसमें 3 जर्म लेयर्स लाइक द एक्टोडर्म, दैट इज द एक्टोडर्म, मेजोडर्म, मेजोडर्म एंड अदर वन इज नोन एज द एंडोडर्म। ओके, तो ये 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन होगा जिसमें से कि क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी ये सब डेवलप कर सकता है। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को देखो, दिस इज द एपिब्लास्ट सेल्स, दिस आर नोन एज द एपिब्लास्ट सेल्स, एपिब्लास्ट सेल्स। यहाँ पे देखे तो हम एपिब्लास्ट, ये जो आउटर डिस्क है, इनर डिस्क, तो इसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट सेल्स, हाइपोब्लास्ट सेल्स। एपिब्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द प्रिमिटिव स्ट्रिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज द प्रिमिटिव स्ट्रिक। यहाँ पे एक लाइन फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे एक गड्ढा फॉर्मेशन होता है। देखो तो यहाँ से पता चलता है कि इस स्ट्रक्चर से द कंप्लीट बॉडी इसमें डेवलप करेगा।
कर सकता है। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ से हमारा हेड पार्ट डेवलप करेगा और फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी विल डेवलप। ओके, तो इतने काम हो जाने के बाद अभी क्या करता है ना, इसको ये, हाँ ये तो एपिब्लास्ट में ये सब काम हो गया। एपिब्लास्ट का कुछ सेल इसके अंदर जंप करेंगे, एंट्री करेंगे। ओके, देन आता है क्या ना हाइपोब्लास्ट। ये जो एपिब्लास्ट सेल है दैट विल फॉर्म द एक्टोडर्म स्ट्रक्चर। ओके, एंड हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट का इसका मेजर फंक्शन नहीं है, ये बाद में क्या ना डिसअपीयर कर जाता है। तो पहले कुछ सेल इसका फॉर्मेशन कर लेता है क्या ना एंडोडर्म, दैट विल फॉर्म द एंडोडर्म। एंड एट द मिडिल पार्ट सम सेल्स ऑफ द बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द दैट इज द एंडोडर्म एंड दैट इज द हाइपोब्लास्ट एंड द एपिब्लास्ट दैट विल फॉर्म द मेजर डर्म लेयर। सो ये जो तीनों लेयर फॉर्मेशन हुआ, ये तीनों लेयर क्या करेंगे ना, इट विल फॉर्म द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली फ्रॉम द एक्टोडर्म नर्वस टिश्यू डेवलप करता है। नर्वस टिश्यू जैसे कि डिफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी, द ब्रेन, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड फ्रॉम द मेजर डर्म द कनेक्टिव टिश्यू डेवलप्स, कनेक्टिव टिश्यू इसमें डेवलप करता है और मसल्स भी डेवलप करता है। जैसे कि हम पढ़े हैं एनिमल टिश्यू में फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर, लाइक द एपिथेलियल टिश्यू, लाइक द कनेक्टिव टिश्यू, लाइक द मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। ओके, सो फ्रॉम द एक्टोडर्म द नर्वस टिश्यू इज डेवलप्ड एंड फ्रॉम द मेजोडर्म डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज एंड द मस्कुलर टिश्यूज द मसल्स इन द बॉडीज आर डेवलप्ड। ओके, सो एंडोडर्म ये जो तीनों लेयर रहा, ये तीनों लेयर से डेवलप करता है क्या, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम ऑल दीज थ्री लेयर्स। ओके, तो इसमें एक रहता है क्या ना इनर सेल मास, जिसको कि हम पहले पढ़े थे इनर सेल मास, वो स्ट्रक्चर को याद करो जिसको भी बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। तो वो इनर सेल मास ये जो क्या करता है ना, दैट परफॉर्म्स इनर सेल मास दैट परफॉर्म्स दैट द टोटिपोटेंट नेचर, टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंट सेल्स का काम करता है, दैट फॉर्म्स द स्टेम सेल्स इन द बॉडी, स्टेम सेल्स। ओके, दैट इज टोटिपोटेंट इन नेचर। सो व्हाट डू मीन बाय टोटिपोटेंट, टोटिपोटेंट वही होता है जो कि एक सेल कंटिन्यूस डिवाइड करके, कंटिन्यूस डिवीजन करने का कैपेसिटी जिसका होता है उसको बोलते हैं हम टोटिपोटेंट सेल। तो यहाँ पे स्पेशली इन केस ह्यूमन वी कैन अप्लाई अनदर टर्म इंस्टेड ऑफ दैट इज टोटिपोटेंट, दैट इज नोन एज द प्लूरोपोटेंट, दैट इज नोन एज प्लूरोपोटेंट। सो दीज आर द प्लूरोपोटेंट सेल्स, प्लूरोपोटेंट सेल्स, दे हैव द कैपेसिटी फॉर द फर्दर डिवीजन एंड रीडिवीजन। स्टेम सेल रहता है तो ये कंटिन्यूस डिवीजन कर सकते हैं। तो बेसिकली थ्री जर्म लेयर्स के बारे में हम जाने, दैट इज द एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म। ऑल दीज थ्री लेयर्स दैट विल डेवलप द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो देखो इसे, तो अभी हम देखेंगे परचुरीशन। सो परचुरीशन इज द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड बर्थ, इज नोन एज द परचुरीशन। परचुरीशन को भी बोलते हैं चाइल्ड बर्थ और लेबर, और बोलते हैं क्या ना दैट इज डिलीवरी, डिलीवरी। ओके, सो ये जो परचुरीशन होता है जिस रूम में होता है उसको इसलिए बोलते हैं लेबर रूम, लेबर रूम। हॉस्पिटल में जिस रूम में चाइल्ड बर्थ होता है उसको बोलते हैं लेबर रूम। एंड द पेन व्हिच इज क्रिएटेड इन के इन द मदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ दैट इज नोन एज द लेबर पेन, लेबर पेन। ओके, तो अभी गैस्टुलेशन के बाद मोरूला फॉर्मेशन, ब्लास्टूला, देन गैस्टूला। गैस्टुलेशन के बाद सेकेंड वीक की लास्ट तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ अप टू द नाइन मंथ तक गेस्टेशन पीरियड में कौन सा ऑर्गन कैसे डेवलप करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी ये कंप्लीट डेवलप, दिस इज द कंप्लीट फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस इनसाइड द मदर यूटेरस। ये हो जाने के बाद क्या काम होता है देखो, दिस पार्ट इज नोन एज द सर्विक्स, सर्विस के बाद आ गया वेजेना। सर्विस का जो कैनल होता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनल, एंड वेजेना का जो कैनल होता है उसको बोलते हैं वेजेनल कैनल। सो सर्विकल कैनल
प्लस वेजाइनल कैनाल इक्वल टू उसको क्या बोलते हैं ना, बर्थ कैनाल, दैट इज कॉल्ड बर्थ कैनल। ओके, तो अभी क्या होगा ना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द दैट इज योर प्रेगनेंसी, ये जो मायोमेट्रियम वॉल है इसमें है ना, दैट इज एपिमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम, सॉरी पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, तो ये जो मायोमेट्रियम वॉल में कुछ रिसेप्टर है, तो उस रिसेप्टर को बोलते हैं रिसेप्टर फॉर द ऑक्सीटोसिन। तो ये अभी क्या करता है, मदर का ब्रेन में जो पिट्यूटरी पार्ट में, दैट इज यू नो पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को ये क्या करता है ना, स्टिमुलेट करता है रिसेप्टर फॉर द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो उसके बाद क्या होता है देखो ना, बच्चे का जो एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल का ग्लैंड कहाँ पे होता है ना, देखो ये है किडनी, किडनी का ऊपर पार्ट में, अपर पार्ट में जो होता है उसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। तो एड्रेनल ग्लैंड से कुछ एंड्रोजन सीक्रेट होता है, जानते हो बहुत इनके स्मेल इन द फीमेल, सो द एड्रेनल ग्लैंड इन केस दैट इज द फीटस दैट स्टार्ट्स रिलीजिंग सम एंड्रोजेंस। सो व्हाट आर एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस आर द दैट इज मेल सेक्स हॉर्मोन्स, मेल सेक्स हॉर्मोन्स, ओके दैट इज द एंड्रोजेंस। तो ये एंड्रोजन अभी कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ, दिस एंड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इन टू द एस्ट्रोजन बाय द प्लासेंटा, प्लासेंटा इसको कन्वर्ट कर देगा एस्ट्रोजन में। अभी एस्ट्रोजन क्या करेगा ना, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर है दैट इज द स्ट्रेच रिसेप्टर, इसको स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करने के बाद जितना स्ट्रेच करेगा वो क्या करेगा, ये रिसेप्टर फिर स्टिमुलेट करेगा किसको ना, दैट इज द पिट्यूटरी ऑफ द मदर टू सीक्रेट दैट इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा। तो ये जितना स्ट्रेच होता है उतना ये रिसेप्टर उनको स्टिमुलेट करता है फॉर द सीक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन, फॉर द सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो एक पॉजिटिव फीडबैक है, दिस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव फीडबैक, स्ट्रेच होता है यहाँ पे जितना पॉजिटिव वर्क होता है ये स्टिमुलेट करता है, फिर वहाँ से सीक्रेशन होता है, तो ये साइकिल जो कंटिन्यू करता है, देयरफॉर दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक। तो ऑक्सीटोसिन अभी जो सीक्रेट हो गया, ऑक्सीटोसिन स्टार्ट टू कंट्रैक्ट द स्मूथ मसल, ये जो स्मूथ मसल है इनसाइड में इसको कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो ये जो सर्वाइकल ओपनिंग है यहाँ पे, इसका जो लेंथ है बहुत ही कम है, अराउंड 10 सेंटीमीटर तक ये एक्सपांड कर सकता है, फिर इसमें ये कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, दैट इज द मायोमेट्रियम वॉल। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अभी जो फीटस का उसका जो हेड पार्ट इसमें एंटर किया, और फाइनली ये क्या होगा ना, चाइल्ड बर्थ हो पाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे रोल जो प्ले करता है दैट इज द ऑक्सीटोसिन, देयरफॉर ऑक्सीटोसिन इज नोन एज द बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, देयरफॉर दैट इज नोन एज द ऑक्सीटोसिन। तो प्रेगनेंसी, जहाँ तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहा था वहाँ तक प्रोजिस्टेरोन का रोल प्ले हो रहा था, प्रोजिस्टेरोन का रोल वहीं पे ख़त्म हो गया जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ, चाइल्ड बर्थ का टाइम आ गया और पाचुरेशन का टाइम आ गया, अभी इस्ट्रोजन का काम स्टार्ट हो गया। ओके, बोथ द इस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन दे प्ले द इम्पोर्टेंट रोल फॉर द चाइल्ड बर्थ। ओके, देखो इसे, तो अभी हम देखेंगे कौन से मंथ में क्या फॉर्मेशन होता है, दैट इज द मंथ एंड द ऑर्गन फॉर्मेशन। ओके, सो इन द फर्स्ट मंथ दैट इज द हार्ट इज फॉर्म्ड, हार्ट फॉर्मेशन होता है फर्स्ट मंथ में। तो फॉर्मेशन जो हुआ उसको पता चलता है बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप। देन सेकंड मंथ में क्या ना, द लिम्स एंड द डिजिट्स आर फॉर्म इन केस फीटस। तो अभी एक वर्ड होता है दैट इज, तीन वर्ड होता है जैसे कि एम्ब्रियो फीटस एंड द बेबी। तो ये तीनों अलग अलग आता है कहाँ पे क्या अप्लाई होगा, दैट इज जब फर्स्ट टू मंथ्स तक रहेगा उसको बोला जाएगा एम्ब्रियो, टू मंथ्स के नाइन मंथ तक उसको बोला जाएगा फीटस, एंड आफ्टर दैट इज द पार्चुरेशन द चाइल्ड बर्थ उसको बोला जाता है बेबी। ओके, सो इन द सेकेंड मंथ द लिम्स और द डिजिट्स आर फॉर्म्ड एंड द डिजिट्स आर फॉर्म्ड। थर्ड मंथ में क्या होता है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडीज
आर फॉर्म्ड। फोर्थ मंथ में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। इन द फिफ्थ मंथ हेयर ऑन द हेड इज डेवलप्ड एंड इन द सिक्स मंथ हेयर ऑन द बॉडी व्हिच इज स्पेशली टर्म्ड एज दैट इज लेनिगो। लेनिगो इज डेवलप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट लेनिगो। एंड द आई लैशेस आर सेपरेटेड, आई लीड्स आर सेपरेटेड इन है इन द सेवेंथ मंथ द आई लीड्स आर सब आई लीड्स आर सेपरेट दीज आर द आई लीड्स। ये आई लीड क्लोज होकर रहता है और सेवन मंथ में क्या होता है ये आई लीड सेपरेट हो जाता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द आई लैशेस आर फाउंड, आई लैशेस द हेयर्स विच आर प्रेजेंट इन द आई लीड्स दीज आर नोन एज द आई लैशेस। दीज आर बेसिकली डेवलप ड्यूरिंग द सेवन मंथ एंड इन द नाइन मंथ दैट इज द पार्चुरेशन अकर्स। सो ये जो टाइम पीरियड के अंदर अगर कुछ केमिकल्स जो एंटर करता है बॉडी में मदर का बॉडी में तो उस टाइम में उसको जो कि इसका बॉडी का डिसफॉर्मेशन हो जाता है या इसका फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है दो सब्सटेंसेस और केमिकल्स आर नोन एज द टेराटोजेंस। टेराटोजेंस दो केमिकल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द फीटस दैट इज टेराटोजेंस। सो इस टाइम में कुछ भी मेडिसिंस बिना डॉक्टर को पूछे बगैर मदर को खाना नहीं चाहिए या फिर कुछ भी जैसे कि ड्रिंक्स या स्मोक वगैरह करना नहीं चाहिए इन केस मदर। एंड दैट विल एक्ट एज द टेराटोजेन एंड दैट कॉजेस हार्म टू द फीटस। ओके, तो ये सब हो जाने के बाद इन द नाइन मंथ दैट इज द पार्चुरेशन अकर्स। यू नो पार्चुरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड बर्थ ऑफ द बेबी। एंड ये सब हो जाने के बाद द लास्ट स्टेप इज नोन एज द लैक्टेशन। सो व्हाट इज लैक्टेशन? Now the process of feeding the milk, the process of feeding the mother's milk to the baby, that is the lactation. Lactation, lactose word se hai lactose. Lactose is the sugar, milk sugar is known as the lactose. To ye lactation, that is the process. To ye hona jaruri hai जो कि न्यूली बॉर्न बेबी इनके केस में। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है अप टू मैक्सिमम सिक्स मंथ तक ये कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो ये चाहिए, क्यों चाहिए ये? बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस विटामिन्स मिनरल्स एंड द एंटीबॉडीज। इट इज़ रिच इन विटामिन्स मिनरल्स एंड द एंटीबॉडीज, स्पेशली द एंटीबॉडी व्हिच इज टेकन फ्रॉम द मदर टू द फीटस ऑफ द चाइल्ड दैट इज नोन एज द IgA एंटीबॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IgA जो पहले जो निकलता है दैट इज द विस्कस एंड येलो कलर जो मिल्क निकलता है उसको हम बोलते हैं क्या न कोलोस्ट्रोम, दैट इज नोन एज द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय द मदर व्हिच इज विस्कस एंड येलो कलर दैट इज नोन एज द कोलोस्ट्रोम। एंड द कोलोस्ट्रोम कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स मिनरल्स एंड द एंटीबॉडीज लाइक द IgA। सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मिल्क मदर के केस में सिंथेसिस के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है दैट इज प्रोलैक्टिन, दैट इज नोन एज प्रोलैक्टिन फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन। एंड द हार्मोन दैट इज द ऑक्सीटोसिन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क, इजेक्शन ऑफ द मिल्क फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल दैट इज नोन एज द ऑक्सीटोसिन। एंड फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द मिल्क द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल दैट इज नोन एज द प्रोलैक्टिन। ओके, सो इट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द लैक्टेशन। सो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी इस चैप्टर को थोरोली पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। जितना भी स्टडी मटेरियल तुम्हें दिया गया है उसको सब ध्यान से पढ़ो, जो भी डाउट आता है तुम पूछ सकते हो। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन क्या है उसको मैं बता दिया हूँ, इसका मटेरियल भी तुम्हें दे दिया हूँ। और इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दोज विच आर जनरली द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जाम फॉर द OUET वो भी मैं कर चुका हूँ, और भी इसके लिए एक स्पेशल क्लास मैं ले लूँगा। दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर जनरली आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम, इसके लिए एक मैं वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा, तो उसे तुम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।